आज ही नमस्ते सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय पांच है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें हम कुछ सामान्य इस प्रश्नावली से संबंधित जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अध्याय कौन सा? पांचवा है, यानी प्रश्नावली 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब इसमें आप सबसे पहले ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति, परीक्षा में जैसे एक नंबर के प्रश्न में पूछ लेते हैं अपने को कि ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति या ज्यामिति शब्द का उद्गम कैसे हुआ, इसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। तो प्रश्न चाहे एक नंबर का हो चाहे दो नंबर का हो, लेकिन अपने को अगर माना है कि उसने पूछ लिया है तो भाई ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या ज्यामिति शब्द का उद्गम कैसे हुआ, तो अपने को इसके बारे में कैसे लिखना है। हम लिखेंगे सबसे पहले ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति, फिर डैश लगा के ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के शब्द, कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा के शब्द जियो और मेट्रिन से मिलकर, दो शब्द है जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है, ठीक है ना। ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के शब्द जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। अब जियो का अर्थ पृथ्वी या भूमि और मेट्रिन का अर्थ है मापना, दो शब्द हो गए। ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मेट्रिन का अर्थ है माप, ठीक है। अतः ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ, ठीक है ना। अगर अपने को ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति लिखनी है तो ज्यामिति शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, पहला हो गया आपके जियो और दूसरा हो गया मेट्रिन। अब जियो का अर्थ तो क्या हो गया? पृथ्वी या भूमि, और मेट्रिन का अर्थ क्या हो गया? मापना। इस प्रकार हम ज्यामिति शब्द का उद्गम जो हुआ है वो भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा यह है कि अथर्ववेद में श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। जैसे अपने को पूछ लेते हैं कि अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े कितने समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है, तो अपने को संख्या ध्यान में रखना है, कितनी है? 9, यानी 9 एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए 9 समद्विबाहु त्रिभुज है, किसमें? श्री यंत्र, ठीक है। अथर्ववेद में दिए श्री यंत्र, अपने को ध्यान में यह भी रखना है श्री यंत्र, ठीक है। श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। इसी प्रकार अपने को एलिमेंट्स पुस्तक के रचयिता का नाम यूक्लिड, ठीक है, अपने को यूक्लिड नाम ध्यान में रखना है। एलिमेंट्स पुस्तक है उसके रचयिता कौन थे? तो यूक्लिड। या अपने को उल्टा पूछ लेंगे कि यूक्लिड ने कौन सी पुस्तक की रचयिता यानी रचना की है, तो अपने को ध्यान में रखना एलिमेंट्स। उल्टा पूछ ले जैसे यूक्लिड की पुस्तक का नाम, तो यूक्लिड की पुस्तक का नाम क्या हो गया? एलिमेंट्स। या अगर अपने को पूछ ले एलिमेंट्स पुस्तक के रचयिता कौन है, तो अपने को ध्यान में रखना यूक्लिड। दोनों तरीके से अपन को प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में समांतर रेखाएं, अब समांतर रेखा किसको कहते हैं? परिभाषा पूछ सकते हैं अपने को कि निम्न को परिभाषित कीजिए, और निम्न को परिभाषित में अपने पास में जैसे वहां क्या समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं यानी वे सरल रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, चाहे उन्हें कितना ही आगे बढ़ाया जाए लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को नहीं काटती है, समांतर रेखाएं कहलाती। समांतर रेखा यानी वे सरल रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है या प्रतिच्छेद नहीं करती है, चाहे अपन उनको कितना ही आगे बढ़ा देवे लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है या काटती नहीं। और समांतर रेखाओं के बीच में क्या है, यानी दो सरल रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो दूरी भी समान, ठीक है। तो समांतर रेखाएं यानी वे दो सरल रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, चाहे उन्हें कितना ही आगे बढ़ाया जाए लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को नहीं काटती है। दो सरल रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वह दूरी भी कैसी होती है? समान, ठीक है। इसी प्रकार लंब रेखाएं, अब लंब रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो, लंब रेखाएं कहलाती है।
ठीक है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब वे क्या है, लंब रेखा। परिभाषा के रूप में पूछ सकते हैं अपने को लंब रेखाएं किसे कहते हैं, तो अपने को ये भी ध्यान में होना जरूरी। इसी प्रकार अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता, ठीक है ना। अभिग्रहित और अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं जो सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। इसके बाद यूक्लिड ने बिंदु रेखा और तल को परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषा को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। अपने को ध्यान रखना यूक्लिड ने किन किन को परिभाषित किया, एक तो बिंदु, एक रेखा और एक तल, इनको परिभाषित किया है, बाकी क्या है कि गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, केवल यूक्लिड ने बिंदु रेखा और तल को क्या है, परिभाषित किया, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी इस प्रश्नावली से संबंधित। तो अपने को क्या है कि ये जो सामान्य जानकारी भी बताई है, इनको अपने को क्या करना है, HW की कॉपी में पुनः एक बार अपन लिखेंगे, लेकिन इनको याद भी करेंगे, ठीक है। परिभाषा जैसे आ रही है तो परिभाषा को भी अपने को याद करना है, दूसरा अपने को HW की कॉपी में हम क्या करेंगे, इनको लिखना भी है और उनको याद भी करना, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।